पीएम मोदी के साथ कांग्रेस की बैठक हुई खत्म। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। केंद्र सरकार ने कहा, क्रिसमस से अंबेडकर जयंती तक डिजिटल पेमेंट पर हर दिन मिलेगा इनाम। कोलकाता में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को काले झंडे दिखाए गए। चेन्नई में डीएमके नेता एम करुणा निधि कावेरी अस्पताल में भर्ती। बंगाल में हावड़ा स्टेशन पर फूड प्लाजा में लगी आग। जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। ईशांत ने इंग्लैंड को दिया पहला झटका, जैनिंग्स एक रन बनाकर आउट। फ्रांस के वित्त मंत्री का दावा, पूर्वी अलेप्पो में अब तक 50,000 लोग फंसे।